सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउजर, ठीक है। या तो आपको फायरफॉक्स रहे, इज रहे, या क्या है, क्रोम ब्राउजर है, कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं अभी फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नया टैब के अंदर आना है आपको। आने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको क्या, बॉक्स वेट, BURP बॉक्स वेट डाउनलोड, ओके। डाउनलोड करना है, इंटर कर देना है। फर्स्ट वाला जो भी वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, जो पोर्ट स्पीकर का होगा उस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे नया वेबसाइट के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सुनो लिखी चल रहा है, ज्यादा तारीफ हो गई, इसलिए इसलिए किसी को तारीफ नहीं किया जाता है। जब तारीफ करोगे तो वो काम सोलो करना स्टार्ट कर देगा। देख रहे हो, इसका तारीफ हो गया तो ये थोड़ा सोलो हो गया। चलो ठीक है, इसके नीचे क्लिक करते हैं। जो भी नीचे है गो स्ट्रेट डाउनलोड, इसके अंदर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे नया फोल्डर आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। चल रहा है, मुझे इतना पता है कि चल रहा है, लेकिन स्लो इंटरनेट की चल रहा है। चलो ठीक है, लाइसेंस प्रोफेशनल कम्युनिटी एडिशन बॉबस्वेट एडिशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दो वर्जन मिलेगा, एक बॉबस्वेट कम्युनिटी एडिशन और एक मिलेगा आपको बॉबस्वेट प्रोफेशनल, ओके। तो आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है, क्योंकि बॉबस्वेट अगर प्रोफेशनल करोगे तो उसमें आपको रिचार्ज परचेज करना पड़ेगा इसका लाइसेंस, ठीक है। हम लोग इसमें बॉबस्वेट कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करेंगे, और जो प्रोफेशनल होगा वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये डाउनलोड होने में मेरे को बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। जिसमें सिर्फ 2 मिनट बता रहा है, तो 2 मिनट मेरे को लगेगा इसमें डाउनलोड होने में। तो हम लोग देखते हैं और कुछ मिलता है तो। हो गया, ये रहा, ठीक है ना। चलो बॉबस्वेट किधर हमारा डाउनलोड हुआ है उस चेक कर लेते हैं। डाउनलोड फोल्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारा डाउनलोड कहाँ पे है, ये रहा डाउनलोड फोल्डर। इसके अंदर देखो दिख रहा है बॉबस्वेट कम्युनिटी एडिशन फॉर विंडोज, इसे करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद थोड़ा वेट लेता है। उसके बाद आएगा आपका रन का ऑप्शन दिखाई देगा, रन कर देना आपको। ठीक है, उसके बाद यस का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन आपको यस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरह का पॉपअप आएगा, ये थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा, आपका समय कम लगेगा, लेकिन थोड़ा देखते हैं कितना स्पीड होता है ये। चलो और थोड़ा सा वो थोड़ा सा करते हैं, चलो हो गया हमारा बॉबस्वेट। फिर इसके अंदर आते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट ये नेक्स्ट करके आपको छोड़ देना है। और ये पॉपअप को चलो ये इसको कर देना फिनिश, ओके। फिनिश करने के बाद आपको चले आना है फिर बॉबस्वेट के अंदर, BURP लिखोगे आ जाएगा, ये रहा बॉबस्वेट करना होता है। इस तरह से आपका बॉबस्वेट कम्युनिटी एडिशन आपका ओपन हो जाएगा। चलो इसको आपको करना है आई एग्री, मतलब आई एक्सेप्ट कर लेना है। इस पर नया पॉपअप आएगा, इसे करना है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बॉबस्वेट को ओपन करके, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम बॉबस्वेट का सेटअप हम कर लेंगे, समझ में आ गया है। ठीक चलो ठीक है, ये थोड़ा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा से स्टार्टिंग होने में थोड़ा समय लगेगा, लोड हो रहा है ये पूरा, ठीक है। ये पूरा वेबसाइट हमारा जो भी बॉबस्वेट था, ये बॉबस्वेट ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डेस्कटॉप है, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड हमारा कम्युनिटी एडिशन में हमको ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर यही हमारा प्रोफेशनल अगर वाला होता, प्रोफेशनल वाला होता, तो बॉब स्वीट में हमारा फर्स्ट वाला जो डैशबोर्ड
डैशबोर्ड होता है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, मैं वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको आना है प्रॉक्सी के अंदर, प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर आना है, प्रॉक्सी के आने के बाद प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर आना है, और यहाँ पे जो भी आईपी मिलेगा बाय डिफॉल्ट आईपी, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट आईपी जो है 127.0.0.1, ये आपका बाय डिफॉल्ट आईपी है, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, इसे कॉन्फ़िगर करना है आपके फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर, ठीक है। फायरफॉक्स के सेटिंग पे आने के 3 लाइन जो यहाँ पे होगा, 3 लाइन को क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग दिखाई देगा, सेटिंग के अंदर आना है, ठीक है। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल प्रॉक्सी, क्या लिखना है यहाँ पे प्रॉक्सी। जैसे ही आप प्रॉक्सी लिखोगे तो प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर आपको आना है, प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको लिखा है, आपको बाय डिफॉल्ट होगा यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग, उसे आपको करना मैनुअल कर देना है, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो HTTP है यहाँ पे आपको देना है, जो वहाँ पे आईपी था बाय डिफॉल्ट आईपी था वो वहाँ पे आपको पेस्ट मतलब दे देना, ठीक है। उसके बाद इसका जो पोर्ट है वो पोर्ट बाय डिफॉल्ट 8080 है, ठीक है, 8080 पोर्ट हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना, ऑल्सो यूज दिस प्रॉक्सी फॉर HTTPS, यानी कि अगर हम HTTP, अगर मैं ये प्रॉक्सी अगर कॉन्फिगर नहीं करता, ठीक है ना, तो यहाँ का जो भी इनका डेटा होगा, इंटरसेप्ट जो होगा वो इंटरसेप्ट कहाँ होगा, हमारा बॉब स्विच के अंदर होगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ का रिक्वेस्ट बॉब स्विच से होते हुए जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। इसे कर देना है, HTTP करना है, फिर कुलन देना है, फिर सेलेस सेलेस, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको बर्फ, क्या लिखना है बर्फ, जैसे बर्फ को करोगे यहाँ पे इंटर आएगा तो आ जाएगा बॉब स्विच कम्युनिटी एडिशन, वेलकम टू बॉब स्विच कम्युनिटी एडिशन, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा सीए सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है ना, CECERT, ठीक है ना, CERT.DER, ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। अब क्या करना है, आपको सेटिंग के अंदर जाना है, और जहाँ पे प्रॉक्सी लिखे थे ना वहाँ पे आपको क्या लिखना है, सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लिखना है, यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट के अंदर आना है, और यहाँ पे देखना है इम्पोर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे आपको इम्पोर्ट के अंदर आना है, और जहाँ पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड किए थे, तो डाउनलोड अगर आप सर्टिफिकेट किए तो डाउनलोड के अंदर होगा, तो डाउनलोड फाइल के अंदर आना है, और ये वाला फाइल को उठा करके ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करोगे आपको पूछा जाएगा कि ट्रस्ट दिस सीए टू आइडेंटिटीफाई वेबसाइट, हाँ, इसे आपको दोनों को क्या करना है, दोनों को टिक कर लेना है, दोनों को टिक करके ओके कर देना है, फिर आपको ओके कर लेना। जैसे ये दोनों को सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लोगे तो आपका कोई भी साइट आप चलाओ, कोई भी वेबसाइट चलाओ, ये आपको रोकेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर पहले अगर आप ये बॉब स्विच को सर्टिफिकेट अगर इंस्टॉल नहीं करते, उसे अगर इम्पोर्ट नहीं करते, तो हमारा जो HTTPS जो साइट दिख रहा है ना फेसबुक का, ये साइट आपको रन नहीं होने देता, ठीक है, समझ में आ गया है तक, चलो इसका रिक्वेस्ट देख